Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जो गोल्ड जिम है वो क्या कोर्स करवाता है, क्या कोर्स का नाम है, क्या उसमें आपको बताया जाएगा, क्या उसका फी स्ट्रक्चर वगैरह होगा, क्या उसकी ड्यूरेशन होगी, क्या उसका एग्जाम होगा, कितने टाइम बाद एग्जाम होगा, एग्जाम में क्या क्या चीजें आती हैं, प्लेसमेंट वगैरह, कोर्स कहाँ कहाँ एक्सेप्टेबल है. तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. ये प्रॉपर जो मैंने रिसर्च करी है, प्रॉपर मैंने सब कुछ करा है और मैंने खुद भी वहीं से कर रखा है, तो मेरे को थोड़ा आइडिया है चीजें कैसे काम करती हैं. तो उसी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ. तो चाहो तो पेन पेपर लेके बैठ सकते हो, नहीं तो वीडियो को बार बार देख लेना. अगर चीजों को समझना है पॉज कर करके देख लेना, ठीक है. तो बारी बारी में बताता हूँ. सबसे पहले गोल्ड जिम फिटनेस इंस्टीट्यूट, इसके जो कोर्स ये लोग करवाते हैं, दो कोर्स हैं बेसिकली जो ये करवा रहे हैं. एक है एडवांस पर्सनल ट्रेनर, एडवांस पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स, और दूसरा है फिटनेस ट्रेनर, राइट. तो एडवांस पर्सनल ट्रेनर, जैसे कि नाम से पता चलता है एडवांस पर्सनल ट्रेनर, तो इसमें क्या है, इसका जो कोर्स कंटेंट है वो काफ़ी बड़ा है इन कंपैरिजन टू फिटनेस ट्रेनर जो कोर्स है उसके. एडवांस पर्सनल ट्रेनर कोर्स जो है उसकी ड्यूरेशन है 4 महीने की. 4 महीने लंबा ये कोर्स है आपका. 2.5 महीने तो आपकी क्लासेस चलेंगी, 2.5 महीने प्रॉपर जो मतलब थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो भी आपको बताया जाता है वो क्लासेस होंगी. उसके बाद 15 दिन का आपको गैप मिलेगा. 15 दिन के बाद फिर आपका होगा एग्जाम. एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपका थ्योरी एग्जाम होगा यानी रिटन एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जिसमें आपको एक्सरसाइजेस वगैरह करके दिखानी पड़ेंगी. फिर एक वाइवा का एग्जाम भी होगा. वाइवा मतलब जिसमें एक ओरल टेस्ट जिसको कहते हैं, आप ओरल से ज्यादा समझेंगे, ओरल मतलब जिसमें मुंह जबानी आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो होगा. तो थ्योरी होगी यानी रिटन एग्जाम जिसमें कुछ आपको सब्जेक्टिव होंगे जिसमें थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना होगा, कुछ आपके ऑप्शनल होंगे, कुछ मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा. और दूसरा आपके प्रैक्टिकल जिसमें आपको एक्सरसाइज वगैरह परफॉर्म करके बतानी पड़ेंगी, और वाइवा जिसमें ओरल जो टेस्ट होता है जिसमें आपसे मुंह जबानी पूछे जाएंगे सवाल, उनके आपको जवाब देने होंगे. ये होगा इसका टेस्ट. और इसी में 50 दिनों की आपको इंटर्नशिप होगी. 50 दिनों की जो इंटर्नशिप है यानी कि 50 दिन जो गोल्ड जिम होगा वहीं पे जो उनका जिम होगा बकायदा, वहां पे आप एज अ ट्रेनर इंटर्नशिप करोगे, वहां का माहौल देखोगे. 50 घंटे की होगी, मेरे टाइम पे 100 घंटे की थी लेकिन अब 50 घंटे हो गई है ये. दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, एलिजिबिलिटी तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें आपको मिनिमम 12th पास होना जरूरी है. बात करूं इसके कोर्स कंटेंट की तो वुमन एनाटॉमी, इंट्रोडक्शन टू फिटनेस, आपको ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी, केनियोसोलॉजी पढ़ाई जाएगी, बोन्स मसल्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स कैसे फंक्शन करते हैं, आपका बेसिक न्यूट्रिशन होगा, उसमें सप्लीमेंटेशन होगा, CPR भी अब ये पढ़ाते हैं विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि CPR जो है वो आप जब हाई फाई जिम्स में जाएंगे तो वहाँ पे CPR पूछा जाता है, और CPR इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव. एक पर्सनल ट्रेनर के पास होनी बहुत ज़रूरी है CPR की, जो स्किल है CPR आना बहुत ज़रूरी है. स्पेशल पॉपुलेशन, फीमेल फिटनेस, ये सारी चीज़ें जो कवर की जाएंगी इस कोर्स के अंदर, जो भी बिगिनर्स हैं उनके हिसाब से बहुत सही है. अगर आप इस कोर्स को भी अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो मुझे नहीं लगता आप एक अच्छे खासे लंबे टाइम के लिए, आपका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. आप कहीं पर भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, आपके पास नॉलेज होगी, आप सामने वाले के सवाल का जवाब दे सकते हो, आप साइंटिफिक रीज़न देके आप प्रूव कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को सीखने को मिलेंगी, ठीक है. बाकी जो दूसरा फिटनेस कोर्स है वो थोड़ा बेसिक है, उसमें कई चीज़ें कम है, CPR वगैरह, स्पेशल पॉपुलेशन वगैरह, पीरियडाइजेशन वगैरह, शेड्यूलिंग वगैरह, ये कुछ चीज़ें नहीं हैं उसमें जो कि एडवांस पर्सनल ट्रेनर कोर्स में है. और अब मैं बात बता दूं कि ये कोर्स अवेलेबल कहाँ कहाँ है, तो मैं यहाँ पे साइड में सिटीज़ आ रही हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, तो जो आपकी सिटी के हिसाब से सही बैठता है आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं. इनके जो नंबर है वो भी मैं दे दूंगा, तो आप उन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनको. और अब बात कर लेते हैं फीस की. फीस जो है वो एडवांस पर्सनल ट्रेनर कोर्स की है समवेयर अराउंड 33,000 समथिंग है, GST VST लगा लोगों के ये अराउंड आपके 40,000 के करीब बैठेगी, 40,000 के करीब की फीस है. और एक चीज, जो एडवांस पर्सनल ट्रेनर कोर्स है वो हर जगह अवेलेबल है लेकिन भोपाल सिटी में सिर्फ फिटनेस एंड जो बेसिक वाला है वो अवेलेबल है. एडवांस पर्सनल ट्रेनर वहाँ पे कोर्स अवेलेबल नहीं, क्योंकि भोपाल में इनकी जो ब्रांच है वो नई नई खुली है. और जो पर्सनल फिटनेस वाला है उसकी फीस कम है, उसकी फीस समवेयर अराउंड 16,000 कुछ फीस है उसकी,
और एडवांस वाला ट्रेनर की जो है वो है 33-34,000 के अराउंड, जो जीएसटी वगैरह लग के आपकी अराउंड 40,000 के करीब बैठेगी। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। तो आप जाके पता करो, फ़ोन करो अगर दूर है लोकेशन तो, नहीं तो अगर पास में हो, अगर जो इंस्टीट्यूट की सिटी है अगर वहीं कहीं आसपास रहते हो तो जाके पता करो, और ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर मैं अपनी तरफ से रिव्यू दूँ आपको कोर्स का, कैसा कोर्स है कैसा नहीं है, तो देखो यार कोर्स कंटेंट अच्छा है, नो डाउट, मैंने खुद भी किया है वहाँ से, डिसेंट है, आपको पढ़ाया जाएगा। साइंस है, साइंस हर जगह सेम है, तो आपको पढ़ना होगा। मैं आपको मेन बात बताऊं, देखो पढ़ना तो होगा, आपको चीज़ों को समझना होगा, अगर फ्यूचर में इंप्लीमेंट करना है तो वो स्किल आपको ग्रैब करनी पड़ेगी, तभी आप फ्यूचर में अप्लाई कर पाओगे। आपको खुद नॉलेज होगी तभी वो चीज़ आप इंप्लीमेंट भी कर पाओगे, राइट। तो ये मत सोचना कि बिना पढ़े आपका हो जाए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, प्लेसमेंट, कोर्स करने के बाद क्या हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मिलेगा नहीं, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको उसके बाद। देखो गोल्ड जिम फिटनेस इंस्टीट्यूट की सबसे अच्छी बात यह है कि गोल्ड जिम यू नो खुद की उनकी बहुत सारी ब्रांचेज है, वर्ल्ड वर्ल्ड रिनोन जिम है, राइट। तो गोल्ड जिम को तो किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं। तो गोल्ड जिम फिटनेस इंस्टीट्यूट से करने के बाद क्या है कि गोल्ड जिम की बहुत सारी ब्रांचेज है, तो वहां पे तो रिक्वायरमेंट आती ही रहती है, ट्रेनर्स आते जाते रहते हैं, तो वहां तो आपका होने के बहुत ज्यादा चांस है ही। बाकी आप कहीं पे भी जा सकते हो, आजकल तो जिम्स इतने ज्यादा खुल गए हैं, प्लस इसकी बाहर की भी वैलिडिटी है। तो आईएओ एक्रेडिटेड है, यानी कि आपको, आप अगर कहीं बाहर भी जाके काम करना चाहेंगे, कहीं बाहर के किसी फॉरेन कंट्री के किसी जिम में जाके करना चाहेंगे, तो आप वहां पे भी ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा। 2 साल की वैलिडिटी के साथ आता है ये कोर्स, यानी कि 2 साल वैलिडिटी का मतलब कि 2 साल के बाद आपको कोर्स रिन्यू कराना होगा। रिन्यू मतलब कि आपको एक री एग्जाम देना होगा थोड़ी बहुत पढ़ के, क्योंकि उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ क्यों रिन्यू कराने पड़ते हैं ये कोर्स वगैरह या आपके सर्टिफिकेट। क्योंकि दिस इज साइंस, और साइंस में हर कुछ कुछ टाइम पे रिसर्चेज होती रहती हैं, नई चीजें आती रहती हैं, अपडेट होता रहता है विज्ञान, राइट। तो इसलिए कुछ नई चीज़ें आती हैं तो वो अपडेट होंगी, तो आपको भी अपडेट होना पड़ेगा अगर आपको काम करना है तो, राइट। तो ये था सब कुछ, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कुछ भी समझना है वीडियो को दोबारा देख लेना, कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं वहाँ पर रिप्लाई जरूर दे दूंगा, जरूरत पड़ी एक और वीडियो बना दूंगा। अगली वीडियो मिलता हूँ, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय। सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन जरूर दबाओ, बेल का आइकन नहीं दबाओगे तो सब्सक्राइब किया हुआ ना के बराबर है, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करके असली सब्सक्राइब होता है, तभी वीडियोस आती हैं तो पता चलता है। अगली वीडियो में मिलता हूँ, बाय।